सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में पुनर्नवा रिष्ट के बारे में जानने वाले हैं। नाम से आपको पता चल रहा है पुनर्नवा तो है ही इसमें, इसके अलावा भी और औषधियाँ होती है जिसकी बात भी हम करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में हम पुनर्नवा रिष्ट के यूजेस जानेंगे, उसके कहाँ कहाँ बेनिफिट है, किस किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है और कौन सी कंडीशन में ये बहुत ही लाभकर होती है। तो इसे जानने से पहले मुझे एक बात कहनी है, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग हार्ट की प्रॉब्लम में किया जाता है, मतलब हृदय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये अच्छा काम करती है। अगर किसी को एनीमिया है तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है। कहीं भी शरीर में सूजन है, शरीर के बाहर की तरफ हो या शरीर के अंदर की तरफ, मतलब कहीं भी शरीर में अगर सूजन है तो उसमें पुनर्नवा रिष्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। स्प्लीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन को तिल्ली भी कह देते हैं, तो स्प्लीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, प्लीहा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं, उसे हमेशा सर चकराता रहता है, घूमता रहता है, तो इस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति है उसे खाना खाने का मन ही नहीं करता, और खाना खाने का मन नहीं करेगा तो फिर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो इस स्थिति में अगर किसी को खाना खाने का ही मन नहीं करता तो उस स्थिति में भी पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर मूत्र गंदला सा आ रहा है या मूत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग किया जाता है। फिस्टूला इन एनो या जिसे भगंदर कहते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति छींकना स्टार्ट होता है तो छींक आती रहती है, मतलब उसकी छींक रुक ही नहीं रही है, छींक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसमें पुनर्नवा रिष्ट बहुत अच्छा काम करती है। पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, मतलब कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। खांसी या कफ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी को अगर अस्थमा है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सांस से संबंधित, मतलब सांस की जो बीमारी है अगर किसी को है तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, IBS में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति है जो कभी तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब कभी खाना खाते ही उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है, मलत्याग के लिए जाना पड़ता है, तो कुल मिला के गड़बड़ी रहती है ऑल टाइम, तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी को स्किन डिसऑर्डर है, कोई कुष्ठ है, उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर स्किन में इरिटेशन है, खुजली रहती है, तो इस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हाथ पैरों में नर्व से संबंधित कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। शरीर पर सफ़ेद दाने हो गए हैं, सफ़ेद निशान हो गए, तो उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो पुनर्नवा रिष्ट एक लीवर टोनिक होती है, और लीवर टोनिक होने के कारण इसका लीवर पर बहुत अच्छा असर होता है, जिस कारण से ये जॉन्डिस में यूज़ में ली जाती है, और जॉन्डिस में अगर खतरनाक वाला जॉन्डिस है किसी को तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई व्यक्ति पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग करता है तो उससे क्या होता है, उसके शरीर में ग्लो बढ़ता है, तो उसका जो शरीर का कलर है उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, उसके शरीर में बल बढ़ता है, तो पावरफुल महसूस करता है खुद को, व्यक्ति की आयु बढ़ती है और अपने आप को उत्साह से युक्त महसूस करता है। अगर आपको नाभि की तरफ, ब्लैडर की तरफ और पेट के जो दोनों साइड है, किनारे वाली जो साइड है उन दोनों तरफ और हार्ट की तरफ, इन एरिए में अगर गोले जैसी संरचना महसूस होती है तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है।